नमस्कार, मैं मनीभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन आया अलर्ट मोड में। तटबंधों की मरम्मति का कार्य हुआ शुरू। आपको बता दें कि लगातार मुजफ्फरपुर में बागमती नदी और गंडक नदी जो है वह दो प्रमुख नदियां हैं जो मुजफ्फरपुर से होकर गुजरती है, और कभी बागमती तो कभी गंडक लगातार मुजफ्फरपुर में अपना कहर बरपाती हो जाती है, जिससे हजारों परिवार प्रत्येक साल विस्थापित हो जाते हैं और उन्हें अपना घर परिवार छोड़कर कहीं और आशियाना ढूंढना पड़ता है। जिसको लेकर इस बार संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए पहले से ही मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है और तमाम तरह के जो तमाम तटबंध जो है उसके मरम्मति का कार्य जोरों पर चल रहा है। वही तटबंध के कार्य को देख रहे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए तमाम तटबंधों के मरम्मति का कार्य जो है वह जोरों पर चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां जहां भी कटाव के खतरे को देखा गया है उस जगह पहले से ही मरम्मति का कार्य चल रहा है, ताकि बाढ़ के खतरे को देखते हुए आम लोगों को किसी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। पूरे मामले को लेकर मरम्मति कार्य देख रहे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या कुछ बता रहे हैं। पहले आप सर, संभावित बाढ़ को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है मुजफ्फरपुर प्रशासन जिला प्रशासन के द्वारा? हम लोग तटबंध का सतत निगरानी रखे जा रही है जी, उसका सुरक्षा के लिए जो भी दिशा निर्देश उपलब्ध है विभाग की ओर से उसका पूर्णतः पालन किया जा रहा है। दिन रात तटबंधों की निगरानी की जा रही है जी, और जहाँ जहाँ भी हमारा आक्रमण स्थल है जो भी हम लोग आइडेंटिफाई किए हुए हैं वहाँ पर सारा घोड़ा भर के स्टैक कर रहे हैं। अच्छा, कितने एरिया में सर ये कार्य चल रहा है बोरे में मिट्टी भरने का? पूरे तटबंध पे हम लोग चिन्हित कर लेते हैं जी, जी। कहाँ कहाँ हमारा ज़्यादा वल्नरेबल और कहाँ हम रैपिडली उसको एसेस कर सकते हैं, कहीं दूसरे जगह जरूरत पड़े तो कैसे हम उसको ले जा सकते हैं कितनी जल्दी कम समय में, तो ऐसा वैसा स्थल हम लोग चिन्हित करके और वहाँ पर स्टैकिंग कर लेते हैं। सर, रिंग बांध हो या परियोजना बांध, अगर वहाँ पे जहाँ कटाव की स्थिति बन जाती है मतलब बाढ़ आने के बाद, वहाँ पे किस तरह की निगरानी की जा रही है सर? हमारा तो 24 घंटा का काम ही है, जहाँ जहाँ जैसा जरूरत पड़ेगा विभागीय निर्देशानुसार जहाँ भी हमारे उच्च पदाधिकारी हैं हमेशा 24/7 आर हम लोग कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है वहाँ पर जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम लोग काम कराते हैं और तटबंध को सुरक्षित रखते हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? सुना कि पूरे मामले को लेकर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या कुछ बता रहे थे। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से दो प्रमुख नदियां होकर गुजरती है, पहली बागमती तबाही मचाती है जिससे हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं, अपना आशियाना छोड़कर कई अन्य जगह पर जाकर उन्हें अपना आशियाना बनाना पड़ता है, जिस कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड में है और बागमती नदी के दोनों तटबंधों की मरम्मति का कार्य जो है वह जोरों से चल रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर जब मुजफ्फरपुर SDO अमित कुमार से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बाढ़ के खतरे को देखते हुए वहां एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के नेतृत्व में तटबंधों की मरम्मति का कार्य जो है वह इन दिनों लगातार चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ से विस्थापित परिवारों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको उसकी व्यवस्था जो है पहले से ही जिला प्रशासन इस बार करने में जुटी हुई है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।